लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। वैसे एक्चुअली ये बहुत ही मैं एक फजूल सी वीडियो खुद के लिए बना रही थी, तो अंजा ने बोला कि यार तुम बना ही रही हो तो व्हाई नॉट तुम यहाँ पर बनाओ, इन सबको भी दिखाओ। जब तुम वीडियो बना रही हो तो थोड़ा सा एंगल चेंज करके तुम यूट्यूब के लिए बना लो, तो आई थॉट व्हाई नॉट। आवाज नहीं आएगी। काश की आवाज आ जाए। ऊपर करके खाओ ना। इधर का से मुंह पे अंदर बोली, मुंह पे लगा कर खाओ भाई, मुंह पे नहीं लगा के खा सकते ना। ओके बहुत हो गया, अभी हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके बाय। ओह गॉड, मैंने बहुत गलत चीज खोल ली। लाइक आई लाइक फ्रेश पीनट्स जो कि बिल्कुल गरम गरम होते हैं, एंड आई डोंट लाइक सॉल्टेड पीनट्स। आई थॉट कि ये कोई भी ऐसे दूसरी कोई चीज है, पर पीनट्स तो इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बंद करके रखेंगे। एयर टाइट तो नहीं कर सकते, पर इसको हम अच्छे से बंद करके रखेंगे क्योंकि भाई मम्मा का कोई भरोसा नहीं, उनको कभी भी गुस्सा आ जाता है मुझ पर, स्पेशली मुझ पर। तो कह रही है मुझे तो मैं खाती हूँ। या तो आई वॉज टेस्टिंग दिस माइक क्योंकि मुझे ब्रांड्स के भी कुछ इस दफ़ा शूट करने हैं जो कि मुझे बोलकर करने हैं। पहली दफ़ा इंस्टाग्राम पे मैं बोलकर कोई शूट करूँगी। खैर जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी आई गेस इससे पहले 2-3 व्लॉग्स और हैं जो आने हैं, तो आई गेस तब तक वो वीडियोस आ चुकी होंगी जिसमें मैं बोल रही हूँ। तो लेट्स जस्ट होप कि इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, वरना फिर एक नई ख्वारी हमने इसलिए ही मंगवाया कि यार देखें हमें भी मजा नहीं आ रहा। ओके अंजन वो हमारी रिंग लाइट बंद हो गई है। रिंग लाइट चलाने से ना मेरी शक्ल बहुत अच्छी लगती है। A few moments later. ओके सो मुझे बहुत शौक होता था कि मैं माइक पर ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कोई नात या कुछ भी बोलूं। तो लेट मी जस्ट वेयर दुपट्टा फर्स्ट, देन हम नात और जो भी है पढ़ेंगे। अगर अच्छा हुआ और मम्मा ने बोला कि हाँ लगा दो तो मैं थोड़ा सा लगा दूँगी। अंजा ने मेरा कॉन्फिडेंस ख़राब कर दिया, तो हमने नात बोल सकते हो जी? नहीं मैं कुछ बोल नहीं रही, मैं सिर्फ बस एल्सा को देख रही हूँ, तो एल्सा खुद ब खुद ऐसे कंफ्यूज हो रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें एल्सा की गलती है कि वो क्यों, और एल्सा की आंखें भी बंद थी। नहीं अंजा ऐसे कर, अंजा ऐसे हंस रही थी जी नहीं मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी, मैंने जैसे ऐसे बैठी थी ऐसे मैंने एल्सा को देखा कंटेंट क्रिएटर अंजा, ये बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर गर्ल बनेगी गाइस। आई एम टेलिंग यू बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर बनेगी ये। कंटेंट में से कंटेंट निकालती है। आधी चीजें तो बताने ही नहीं देती कि नहीं ये कंटेंट है, ये इसको हम कंटेंट बनाकर शेयर करेंगे हम। माशाल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ। ओके तो हम अब नेक्स्ट क्लिप में अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखेंगे। तो मैं चुप करके बैठी रहूंगी, अब देखिएगा। गिले कर रही थी, इतना तंग करती है मुझे, सोने ही नहीं दे रही, मुझे सोना भी होता है और इसका अभी तक मिलाद शुरू नहीं हुआ। रेशम की तरह नर्म से होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। बेटा तो एक घर को ही रोशन करे, मगर
दोनों घरों पे नूर लटाती है बेटियां, बेटे के पास रह के भी गाफिल रहे मगर, सबके गमों का दर्द उठाती है बेटियां। A few moments later. ये मैं जब 8th क्लास में होती थी तो मैंने लास्ट ये तब आई डोंट नो ये नात है ये क्या है, पर ये मैंने एज अ नात पढ़ी थी अपने असेंबली में। और और मैं मैं तब मैट्रिक में थी, हाँ और मैं तब मैट्रिक में थी, सब रो रही थी टीचर्स वगैरह, तो सबने टीचर्स ने वगैरह कहा वंस अगेन वंस अगेन, तो एल्सा ने फिर पढ़ा, तो लाइक टीचर सब बच्चे ऐसे हो गए थे। फिर जब मेरा क्लास फेलो है ना, वो क्लास में चलकर ऐसे लगता है तुम्हारी बहन ने तो सबको रुलाने का ठीका ले रखा था सबको रुला रही थी, ऐसा कौन पढ़ता है। पर जब मैंने ये पढ़ी थी तो बहुत रोए थे सब, मतलब काफी बहुत ज्यादा रोए थे। और उसके बाद मैंने ये पढ़ी थी, फैमिली में भी, नहीं फैमिली में मैंने नहीं पढ़ी, खाला में, मैं नहीं फैमिली में मेरे बहुत नॉन सीरियस लोग रहते ठीक वो बहुत हंसते हैं मुझ पे, पर नहीं है वो हंसे खाला। नहीं, नहीं वो हंसते नहीं है खैर मुझ पे उस वक्त, नहीं हंस रहे थे उस वक्त, बहुत सीरियस है पर रोए भी नहीं थे। हाँ बस ये फैक्ट है कि वो रोए भी नहीं थे उस वक्त। तो खैर तो, मतलब मैं फिर मैंने ये 9th, मैंने 1 साल बाद ये फिर से पढ़ी थी, तब भी टीचर्स रोई थी बहुत ज्यादा, तब भी रोई थी। उसके बाद मैंने भाई ये तब मैं पढ़ना, नहीं थी, हाँ तब ये नहीं थी, तब मैंने पढ़ना ही छोड़ दी क्योंकि मैडम ने बोला ये जब आती है सबको रुला के चली जाती है, तो फिर मैंने ही पढ़ना बंद कर दिया। One eternity later. इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, जरा पा फक्र हूँ हिफ्ज़ो नदामत साथ लाई हूँ, भिखारी वो जिसे हिफ्ज़ो हवस ने मार डाला है, मार डाला है, मार डाला है, भूल गई मदद चाहो मैं बहुत जैसे बंदरिया लग रही थी, लाइक सीरियसली ऐसे इसने मुझे कहा था चिड़िया हूं क्या मैंने इसको बोला था अंजा ऐसे ऐसे झूमो 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 बहुत, नहीं बहुत सुकून मिलता है। रब्बे अव्वल आप सबको बहुत मुबारक। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कीज लाइफ। ओके अल्लाह हाफिज़।